अब जब आज से कुछ महीने पहले आमिर खान ने अपनी दूसरी पत्नी से तलाक लिया था तब काफी ज्यादा बवाल मचा, क्योंकि आमिर खान वही शख्स हैं जो सत्यमय जैसे शो पर आकर रिश्तों की अहमियत समझाते थे, लेकिन जब इनकी खुद की बारी आई तो उन्होंने तलाक ले लिया। कई सारे लोगों ने ऐसे ही इन पर तंज कसे, लेकिन सबके बावजूद इनके फैसले में कोई भी बदलाव नहीं आया। हालांकि आमिर खान के अपने दूसरी पत्नी से तलाक लेने के बाद से ही उनकी तीसरी शादी को लेकर चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है और कई सारे लोग उनकी शादी करवाने के ही पीछे पड़ गए हैं। लेकिन जब आमिर खान ने दूसरी पत्नी से तलाक लिया था तब एक अभिनेत्री का भी नाम आमिर खान से खूब जोड़ा गया और बताया गया कि आमिर खान ने अपनी दूसरी पत्नी को इसी अभिनेत्री के लिए छोड़ा और ये अभिनेत्री थी फातिमा साना शेख। पूरे अगर घटना का जिक्र करें तो आमिर खान की पिछली रिलीज फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान 2018 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म की को एक्ट्रेस फातिमा साना शेख भी थी। बताया जाता है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान ही आमिर खान का दिल फातिमा साना शेख पर आ गया था। यहां तक कि शूटिंग खत्म होने के बाद फातिमा साना शेख का आमिर खान के घर पर आना जाना लगा रहता था, जिसकी वजह से किरण राव काफी ज्यादा परेशान भी रहती थी, लेकिन वो आमिर को इससे अलग नहीं कर पाई और आमिर खान ने वही कर दिया जिसका किरण राव को डर था, यानी आमिर खान ने किरण राव को फातिमा साना शेख के लिए छोड़ दिया। अब इस बात में कितनी सच्चाई थी ये तो फातिमा साना शेख और आमिर खान से बेहतर कोई भी नहीं जानता, लेकिन सोशल मीडिया पर हो रही बहस के मुताबिक जरूर इस बात की चर्चाएं हुई थी कि आमिर खान ने फातिमा साना शेख के प्यार में आकर अपनी दूसरी पत्नी को तलाक दे दिया। और इसी बीच में अब बताया जा रहा है कि आमिर खान अपनी तीसरी पत्नी के रूप में फातिमा साना शेख के साथ शादी कर सकते हैं। अब बात करें फातिमा साना शेख की तो ये बॉलीवुड की सबसे टैलेंटेड और तेजी से उभरती हुई अभिनेत्रियों में से एक है। उन्होंने फिल्म दंगल से बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी और ये भी आमिर खान की ही ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। इससे पहले वो जानी मानी चाइल्ड आर्टिस्ट रह चुकी हैं और कमल हासन की फिल्म चाची 420 और शाहरुख की फिल्म 1-2-4 जैसी फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट परफॉर्म भी कर चुकी हैं। फिल्म दंगल की बात करें तो इनके करियर की एक बड़ी हिट साबित हुई। फिल्म दंगल में फातिमा ने आमिर खान की बेटी का किरदार निभाया और अपनी एक्टिंग से सबको हैरान करके रख दिया। साथ ही इस फिल्म में उनके अभिनय की जमकर तारीफें भी हुई। फिल्म दंगल के अपार सफलता के बाद इन्हें आमिर खान के साथ दूसरी बड़ी फिल्म में काम करने का मौका मिला और ये फिल्म थी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। यहाँ पर भी इन्होंने आमिर खान का भरपूर साथ दिया, लेकिन बताया जाने लगा कि फातिमा और 56 साल के आमिर खान का अफेयर चल रहा है। पिछले साल आमिर खान ने जब अपनी दूसरी पत्नी किरण राव से तलाक लिया तो फातिमा का नाम बहुत ज्यादा उछाला गया, जिनकी वजह से इनका रिश्ता टूटा है और यहां तक कि उन्हें विवाहित भी घोषित कर दिया गया था। और इसी तर्क का समर्थन कुछ तस्वीरों द्वारा किया भी गया था, जिसमें दिखाया गया कि आमिर और फातिमा ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली है और लोगों को यकीन भी हो गया था कि आमिर वास्तव में फिर से शादी कर चुके हैं। अब आमिर खान ने अपनी दूसरी पत्नी को तलाक तो दे दिया है, लेकिन अभी तक वो शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर कोई भी तलाक लेता है तो शादी के मनसे से ही लेता होगा और यही कयास आमिर खान के प्रति भी लगाया गया और लोगों का कहना था कि आमिर खान अपनी दूसरी पत्नी को तलाक देने के बाद फातिमा साना शेख से शादी करेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने शादी क्यों नहीं की। हालांकि आमिर खान और किरण राव के तलाक लेने के बाद कई बार ऐसी भी तस्वीरें हमें वायरल होती दिखी जिनमें आमिर और फातिमा नजर आते रहे। ये सभी तस्वीरें फेक रही और आमिर खान और फातिमा साना शेख की तस्वीरों को एडिट करके वायरल किया गया। अब जाहिर सी बात है इतना बड़ा बवाल मचा, तो बवाल मचने के बाद फातिमा साना शेख ने भी अपना रिएक्शन दिया था। आपको बताना चाहेंगे कि फातिमा ने इससे पहले कई बार आमिर खान के साथ अपने रिश्तों पर लगे कयासों पर चुप्पी भी तोड़ी थी। उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया था कि आमिर के साथ उनके सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशन है। फातिमा ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि पहले मैं ऐसी खबरों से परेशान होती थी और बहुत बुरा भी लगता था, क्योंकि मैंने पहले कभी ऐसी किसी परिस्थिति का सामना नहीं किया था। कुछ अनजान लोग जिनमें मैं कभी नहीं मिली, वो मेरे बारे में ऐसी बातें लिख रहे थे। तो इस तरह आप भी समझ सकते हैं कि आमिर खान का नाम लगातार फातिमा साना शेख के साथ जोड़ा जा रहा है और बताया जा रहा है कि तीसरी पत्नी के रूप में आमिर खान जल्दी फातिमा साना शेख के साथ शादी कर लेंगे।